तो गाइज मेरा मानना ये है, अगर आपके पास बैंकॉक के अंदर ऐसा कॉन्डो है, आपने परचेज किया है, नहीं किया, आपने रेंट पे लिया है वो बात अलग है, पर आपके पास ऐसा कॉन्डो है तो मेरा मानना है आपको एक नहीं 10 गर्लफ्रेंड आपको मिलेगी। बिकॉज किसको ऐसा रहना नहीं पसंद है यार, कॉन्डो की नाम आता है ना, जैसे कॉन्डो का नाम क्या यार, कॉन्डो है इनके पास, तो यार बड़े ये लोग खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाओगे यार। मेरा वीडियो देखे, मैंने क्या दिखाया यहाँ पे, कॉन्डो कैसा होता है और कितना अमेजिंग व्यू है यार, मेन यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के अंदर। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकॉक बबल्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त आर्स। तो गाइस आज मैं हूं कॉन्डो पर, तो मैंने सोचा यार चलो मेरे नए जो जितने भी भाई अभी जुड़े हैं यूट्यूब से, अभी धीरे धीरे फैमिली बढ़ता जा रहा है, तो मेरे नए भाइयों से मैं शेयर करना चाहता था कि भाई यहाँ पे कॉन्डो कैसा होता है। एक्चुअली मैं इसके ऊपर एक दो वीडियो बना चुका ऑलरेडी, पर जो नए भाई मेरे ऐड हुए उनका कुछ क्वेश्चन था ऐसा कि भाई आप थोड़ा इवनिंग का व्यू दिखाइए, अगर ऐसे कॉन्डो लेते हैं तो उसका क्या रेंट होता है, क्या सिस्टम होती है, कैसा व्यू वहां से दिखता है, और जो भी यार यहाँ के जो सिस्टम है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो आपके भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा यार, बैंकॉक में सेटल होना है, बैंकॉक में रहना है, बैंकॉक में काम करना है, तो अगर आपके पास कुछ अच्छा बजट है तो आप ऐसे कॉन्डो में रह सकते हैं, आप परचेज भी कर सकते हैं यार, कॉन्डो बाई कर सकते हैं, जैसा ये वाला है जो हाई राइज टावर होता है, तो यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं। उसका प्राइसिंग भी मैं आपको शेयर करता हूँ और रेंट भी आपको बताता हूँ कि कौन सा कितना रेंट होता है और उसके अंदर कैसी फैसिलिटीज होती है, राइट? तो वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहे, मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ का बाहर का बहुत ही अमेजिंग व्यू है और आपको वीडियो देख के अच्छा लगेगा और आपको भी एक इच्छा होगी कि यार मेरा भी एक बैंकों के अंदर कॉन्डो होना चाहिए, और रेंट पे लेना है तो रेंट पे लेने वालों को भी यार अच्छा लगेगा कि यार चलो भाई बैंकॉक में जाके ऐसा भी कुछ होता है और हम ले सकते हैं रेंट पे, राइट? तो ठीक है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का मेन व्यू और कॉन्डो का थोड़ा मैं आपको टूर कराता हूँ, ठीक है? तो चलो देखते हैं बाहर का व्यू। तो ये है गाइस, अभी शाम हो चुकी है और बाहर एकदम अमेजिंग व्यू है, आप देख सकते हैं मेरे सामने। यहाँ पे यार अभी एक 5-स्टार होटल बन रहा है जिसका नाम है क्वींसलैंड, तो अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाद में ये फिनिश हो जाएगा, 2-3 साल के अंदर ये लोग फिनिश कर लेंगे यार, बहुत ही फास्ट कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग अभी बन रही है अंडर कंस्ट्रक्शन, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी टावर्स यहाँ पे बन रहे हैं अभी, और हमारे पड़ोस में ही यार एक बन रहे है, मैं 2-3 महीने पहले देखा तो बस यहाँ पे 11 नंबर तक था, अभी देखा तो यार कितना हाइट पे ये चला गया आप देखो। तो यार सिविल वालों का काम तो यार बिल्कुल पावरफुल में चल रहा है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, वहाँ पे जो एक ट्रेन आ रही है अभी, मैं आपको दिखाऊँ जूम करके, ये है गाइस मेरा मेन पॉइंट। तो ये है गाइस फायाथाई स्टेशन, ये एरिया का नाम है फायाथाई, और ये जो आप देख सकते हैं ये है स्काईटन, ये सीधी एयरपोर्ट से आती है और एयरपोर्ट पर जाती है, कम से कम बीच में आते हैं 5 से 6 स्टेशन। सेकंड वाला मैं स्टेशन बताऊँ तो वो है राजा परब स्टेशन, जो है प्रतु नाम का स्टेशन, जो मैंने आपको बताया हमारे इंडियन के लिए सबसे फेमस जो एरिया है, जो इंदिरा मॉल वाला जो जो प्लेटिनम मॉल वाला जो एरिया वही है, आप वहाँ से सीधे नीचे जाओगे और 5 मिनट वॉक करोगे तो सीधा आपको इंदिरा मॉल आ जाएगा। और यहाँ से यार एक सिग्नेचर चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये है यार यहाँ का फायाथाई हॉस्पिटल, इंटरनेशनल हॉस्पिटल, और ये है यहाँ का सिग्नेचर टावर बायोक टावर। यहाँ पे यार पूरा दिन एडवर्टाइज चलता रहता है और मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पे रुकना पसंद करते हैं बायोक स्काई टावर, क्योंकि ये है ये एरिया का सबसे टॉलेस्ट टावर, होटल है ये वाला और उसके नीचे है सबसे बड़ा होलसेल मार्केट। तो अगर आपको भी कुछ स्काईलाइन का पूरा एंजॉय करना है, पूरा बैंकॉक का 360 व्यू, तो मेरा हिसाब से आप यहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं बायोक स्काई होटल के अंदर। रात को तो यार यहाँ पे जो व्यू आता है बिल्कुल अमेजिंग व्यू है, आप बात ही मत पूछो उसका तो। और ये दूसरा एक टावर है, इसका नाम भी है बायोक 2, ये है बायोक 2 टावर, ये भी एक होटल है, और ये वाला है अमारी होटल, और ये वाला जो एरिया देख रहा है ये है प्लेटिनम मॉल और सेंट्रल वॉल वाला एरिया। तो यही है गाइस शाम का व्यू, और मैं थोड़ा आपको रोड का व्यू दिखा दूँ, ट्रैफिक का व्यू कैसा है, अभी धीरे धीरे ट्रैफिक जम रहा है। ये काउंटर बहुत ही एक्सेसिबल है, यहाँ से कोई ट्रैफिक का मगजमारी नहीं है, बैंकॉक में जो भी एरिया में जाना है यहाँ से हम बिल्कुल ईजिली जा सकते हैं, लोकेशन बिल्कुल प्रीमियम है। तो गाइस कैसा लगा ये शाम का व्यू? अगर अच्छा लगा हो तो यार लाइक कमेंट से जरूर कर देना, और मेरे को बताइए जो भी कुछ आपके मन में जो ख्याल आ रहे, जो क्वेश्चन आ रहे ये व्यू के देखकर, तो आप मेरे को बता सकते हैं यार कमेंट के अंदर। और ये है गाइस मैं भी गैलरी में खड़ा हूँ, तो मेरे से जितना कवर हो पा रहा है इतना मैं आपको दिखाता हूँ। ये है यार ये वाला है छोटा है, हमारा वाला कॉर्नर पीस है तो कॉर्नर वाला थोड़ा बड़ा होता है, हमारा ये 2 बेडरूम है, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी कैसा व्यू है अंदर से, मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्डो टूर। तो ये है गाइस हमारा मेन जो ये है हमारा गैलरी, बहुत बड़ा है ये वाला मेन गैलरी है, और यहाँ पे हमने रखा है सोफ़ा, और यहाँ पे है कॉफ़ी टेबल,
यहाँ पे है टीवी और यहाँ पे है हमारा डाइनिंग टेबल जहाँ पे हम लंच डिनर करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बेड है और यहाँ पे हमारा टेबल फ़ैन, क्योंकि थाईलैंड के अंदर आपको कहीं पे भी यार आपको अभी सीलिंग फ़ैन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग डरते हैं सीलिंग फ़ैन से। तो यही यार सब कुछ एयर कंडीशन में आपको रहना पड़ेगा यहाँ पे। पर मेरी बात मानो ना तो यार यहाँ पे कोई एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं, इतनी अच्छी हवा आती है यार यहाँ पे पूरा दिन रात दिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा आती है। तो यार एयर कंडीशन की अगर हैबिट नहीं है तो ज़रूर नहीं है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे है हमारा एक छोटा सा मेन टॉयलेट बाथरूम जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूँ कि कैसा है। ये है गाइस हमारा टॉयलेट बाथरूम जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, ये वाला। और ये है गाइस हमारा मेन डोर और यहाँ पे यार इंटरफेस सिस्टम दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी आदमी नीचे आता है आपको गेट ओपन करना नहीं करना, आप यहाँ से चेक करके ओपन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो गेट नहीं खुलेगा नीचे का मेन डोर, बाकी यहाँ का तो आप यहाँ चेक करके भी ओपन कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ का लॉबी कैसा है। ये है गाइस उसका डायरेक्टली सीधे मेरे देखो तो लिफ्ट है, सीधा नीचे जा सकते हैं, ऊपर जाना है तो ऊपर भी जा सकते हैं, तो अच्छा है, बिल्कुल नज़दीक है हमारे से। और यहाँ पे एक दूसरे भी फ्लैट है, यही है उसकी मेन लॉबी। तो चलो आ जाते हैं अंदर और मैं आपको थोड़ा और भी दिखाता हूँ यहाँ का, राइट। तो ये है गाइस मेन, ये हमारा हॉल जैसे मैंने आगे आपको दिखाया। और यहाँ पे है हमारा किचन, यहाँ पे है हमारा फ्रिज, वॉश बेसिन, और ये है हमारा गैस। यार ये गैस में क्या होता है कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो जो गैस वाला जो LPG, पर यहाँ पे वो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे है फायर अलार्म्स यहाँ पे है, तो आप वो वाला यूज़ नहीं कर सकते, आपको इलेक्ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जिसको पसंद है कम्फर्टेबल है वो कर सकता है, पर मेरे लिए तो ठीक है यार, मैं इसको सो बोलूँगा। और यहाँ पे हमने रखा है यार हमारा वॉशिंग मशीन जो बहुत ही ईजीली है और पॉइंट भी पीछे है। बाकी तो ये है हमारा एयर फ्रायर जो हम ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते तो इसके अंदर हम बनाते हैं। बाकी जो भी यार मेरे भाई थाईलैंड के अंदर सेटल होना चाहते हैं तो आप ऐसा एक कुकर बाई कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही एक हेल्पफुल रहेगा ये वाला कुकर। और आप शाम जैसे होती जाते हैं, आप व्यू देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है यार। यहाँ पूरा दिन बैठे रहोगे ना तो आपका टाइम बिल्कुल स्पेंड हो जाएगा। और ट्रेन तो आती जाती रहती है जो स्काई ट्रेन मैंने आपको अभी दिखाई। और ये वाला है फायर थाई स्टेशन जैसे मैंने आगे आपको बताया। और नीचे यार पूरा रात दिन गाड़ियाँ चलती रहती है तो आपको अकेले फील नहीं होगा यहाँ पे, एक अच्छी चीज़ है, अकेलापन आपको महसूस नहीं होगा यहाँ पे। और इंडियन एरिया भी बिल्कुल नज़दीक है, राइट। तो आप कुछ है आपके भाई को मिलना है, कुछ इंडियन रेस्टोरेंट में आपको खाना बना, आपको जो लेना है आपका मटेरियल, तो नज़दीक है यार, आप ले जा सकते हैं यहाँ से। और आप देख सकते हैं वो ट्रेन वहाँ पर अभी रुकी है, उसको सिग्नल नहीं मिला है। जैसे एक ट्रेन वहाँ से आएगी सीधा ये ट्रेन चालू हो जाएगी वो स्टेशन में जाने के लिए। तो ठीक है गाइस, आज वाला वीडियो कैसा लगा, ये कोंडो की टूर आपको कैसी लगी तो आप मेरे को कमेंट के अंदर बता सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे शो कर रहा है, मेरे को आप पूछ सकते हैं ये कोंडो के बारे में। अगर आपको परचेस करना है, अगर आपको बाय करना है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, जस्ट मैं आपको एक फ्रेंड या मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे भाई अभी भी इंस्टाग्राम में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट के अंदर पूछते हैं, तो मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, जस्ट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, हमको एक्सपीरियंस है कौन सा अच्छा नहीं अच्छा, क्या प्राइसिंग होता है, क्या चीज़ यहाँ पे होता है, क्या सिस्टम होता है। तो मेरे को जितना मालूम है वही मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर मेरे को नहीं मालूम है तो मैं आपको बताऊंगा, भाई आई एम सॉरी मैं नहीं जानता कि ये क्या चीज़ है। तो मैं जानता हूं, मैं आपको शेयर करा कि बस ऐसा ही यहाँ पे कोंडो होता है। अगर आपको लेना है, मैं आपको रेंट की मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे यार नॉर्मली 30,000 से कुछ स्टार्ट होता है। ये तो हमारा परचेस किया हुआ है तो हमको तो रेंट पे नहीं करना है, हमारे भाई ने परचेस किया है। अगर आपको यहाँ परचेस करना है तो यार 10-12 मिलियन से ये स्टार्टिंग होता है। जैसा लोकेशन, अगर आप हाइट में जाओगे तो उसका अलग प्राइस होगा। ये हमारा जो कॉर्नर वाला है वो थोड़ा महंगा है। अगर आप मिडल में जाओगे, साइड में जाओगे, तो यार उसका जो वन बेडरूम होता है तो उसका प्राइस थोड़ा चीप होता है। जैसे एक हॉल मिल जाएगा आपको, एक बड़ा सा बेडरूम मिल जाएगा, किचन मिल जाएगा, एक पैसेज मिल जाएगा। तो अगर आप फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं, आपका कोई थाई पार्टनर है, आपके कोई थाई गर्लफ्रेंड है, जो भी है आपका, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं ऐसे अच्छे, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी और आपका अच्छे से आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, राइट। तो यार ठीक है, मिलेंगे और एक नए वीडियो के अंदर नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय, सी यू।